ताल वर्मा मधुर, मैं आपको कवि की रचना क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में अपने गीत के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि भाव कल्पनाओं में खोकर, भाव कल्पनाओं में खोकर शब्दों को साकार करे, भाव कल्पनाओं में खोकर शब्दों को साकार करे और अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना रूप धरे। अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना रूप धरे। मस्त कबीरा, मस्त कबीरा तुलसी मीरा गालिब ने ये जाना था, मस्त कबीरा तुलसी मीरा गालिब ने ये जाना था और सूरदास ने अंतस मन से कान्हा को पहचाना था, सूरदास ने अंतस मन से कान्हा को पहचाना था। कवि मन भावन रचना करके सृष्टि का श्रृंगार करे और अनुपम अद्भुत अलंकार से कविता कविता ऐसे कि अगला देखिएगा कि कवियों ने अपनी वाणी से बदल दिया इतिहास कहीं, कवियों ने अपनी वाणी से बदल दिए इतिहास कई और अर्थपूर्ण रचनाएं देकर इस जग को दी दिशा नहीं, अर्थपूर्ण रचनाएं रचकर इस जग को दी दिशा नहीं। कभी चंद वरदाई बिस्मिल, कभी चंद वरदाई बिस्मिल दुश्मन पर प्रतिकार करे और अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना रूप धरे, कविता अपना रूप धरे। अगला पद्य देखिएगा कि दीवाने मस्ताने कवियों ने हर युग को जाना है, दीवाने मस्ताने कवियों ने हर युग को जाना है और कालिदास की रचना का लोहा जग ने, कालिदास की रचना का लोहा इस जग ने जाना है। नवरस 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 नव सुरताल सदा संगीत सुधा अमृत बरसे और अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता। और अगला पद्य देखिए कि कविता कैसी होना चाहिए, कि भक्ति भाव जगाए जग में, भक्ति भाव जगाए जग में वीर कथा की गाथा हो, भक्ति भाव जगाए जग में वीर कथा की गाथा हो और प्रणय प्रणय हास्य श्रृंगार के संग संग दुखी हृदय की भाषा हो, प्रणय हास्य श्रृंगार के संग संग दुखी हृदय की भाषा हो और रणचंडी रचना बनकर जब, रणचंडी रचना बनकर जब जन जन में हुंकार भरे अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना रूप धरे, कविता अपना रूप। और अंतिम है कि कवि क्या चाहता है, कवि क्या चाहता है, वीणा वादी माता सरस्वती से कवि की क्या याचना है, इसको देखिएगा जिसमें मैंने अपने भक्ते को अपने नाम को कहां पर वो किया है कि वीणा वादिनी बुद्धि प्रदाता वरद हस्त वरदान मिले, वीणा वादिनी बुद्धि प्रदाता वरद हस्त वरदान मिले और कृपा सिंधु बरसा दो मैया अज्ञानी को ज्ञान मिले, कृपा सिंधु बरसा दो मैया अज्ञानी को ज्ञान मिले और जन जन में जन जन के कल्याण सदा हित, जन जन के कल्याण सदा हित मधुर सदा गुणगान करे और अनुपम अद्भुत अलंकारों से कविता अपना रूप धरे, कविता अपना रूप धरे, कविता अपना रूप। गीत तो गीतकार लिख देते हैं, कवि लिख देते हैं, लेकिन उस गीत को जब सुर और संगीत के साथ गाया जाता है तो वो गीत अमर हो जाता है। इसी प्रकार से मैं गीत लिखने की अपनी बात कह रहा हूँ लेकिन गाने के लिए अनुय कर रहा हूं कि आप ये गीत को गा। मैं गीत लिखूं तुम गा दो, मैं गीत लिखूं तुम गा दो, सुर संगीत सुधामृत की, सुर संगीत सुधामृत की स्वर लहरी बरसा दो, मैं गीत लिखूं तुम गा दो।
अंबर प्यासा धरती प्यासी, अंबर प्यासा धरती प्यासी, ताल तलैया नदिया प्यासी, झूमे तरुवर झूमे गिरिवर, झूमे तरुवर झूमे गिरिवर, रस गगरी छलका दो मैं गीत लिखूं तुम गा दो, मैं गीत लिखूं तुम गा दो। मेघ मलार रागिनी सुनकर, मेघ मलार रागिनी सुनकर, हलचल अंबर में मच जाए, हलचल अंबर में मच जाए, ऐसी तान प्रिय छेड़ो तुम, ऐसी तान प्रिय छेड़ो तुम, पुलकित धरा धन्य हो जाए। मेघराज से छीन बदरिया, मेघराज से छीन बदरिया, धरनी पर ढलका दो मैं गीत लिखूं तुम गा दो, मैं गीत लिखूं तुम गा दो। कि अंतर मन की प्यास बुझे जब, अंतर मन की प्यास बुझे जब, गीतों की गागर छलके तब, अंतर मन की प्यास बुझे जब, गीतों की गागर छलके तब, पावस ऋतु सन सुरमय सावन, पावस ऋतु सन सुरमय सावन, की बदरी बरसा दो मैं गीत लिखूं तुम गा दो। और अंतिम है कि मधुर मधुर स्वर लू, मधुर मधुर स्वर लहरी गूंजे, मधुर मधुर स्वर लहरी गूंजे, गूंजे गुंजन दशों दिशा में, अमर बेल लतिका बन कर तुम, अमर बेल लतिका बन कर तुम, जन जीवन महका दो मैं गीत लिखूं तुम गा दो। क्यों कि मेरे गीत के अंदर मेरी आवाज में इतना वो नहीं है जादू जितना जादू गीतकार जो गायक कलाकार है और जो संगीतकार है जो उसको एक नया जीवन दे देते हैं। इसलिए मेरा ये अनुनय और ये विनय उन गीत के गाने वालों से, उन संगीतकारों से है कि मेरा गीत गा दो। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।